लोगों में असुरक्षा का वातावरण, अराजकता, और ऐसे लगता है जैसे सरकार न होकर के कोई माफियागिरी पूरे राज्य के अंदर संचालित हो रही हो। भाइयों बहनों, 5 वर्ष राजस्थान के, वास्तव में अगर राजस्थान के इतिहास को अगर आप देखेंगे, जिस राजस्थान का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, सौर्य पराक्रम के लिए, भक्ति और शक्ति के लिए, कला और अपनी कलाकृतियों के लिए, इस राजस्थान की अपनी एक पहचान थी, आज राजस्थान करा रहा है एक वेदना है, और वह वेदना किसी और ने नहीं दी, यहां राजस्थान में 5 वर्ष पहले चुनी गई सरकार ही उस वेदना का कारण है। भाइयों बहनों, जहां जा रहे हैं, एक तरफ राजस्थान के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, गुंडागर्दी, कर्फ्यू, दंगे, और दूसरी ओर अगर हम भारत का देखते हैं, पूरे देश के अंदर देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन होता है। वैश्विक मंच पर जब मोदी जी जाते हैं, भाइयों बहनों, हम सब इस बात को देखते हैं, वह देश, उस देश के राष्ट्र प्रमुख पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, यह सम्मान भारत की 142 करोड़ लोगों के गौरव को बढ़ाता है। भाइयों बहनों, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, पूरी तरह भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। भाइयों बहनों, यह नया भारत है, 2014 के पहले जो घुसपैठ होती थी, जो आतंकी वारदात होती थी, ये पूरी तरह बंद हो गया है। 2014 के बाद आप देख रहे होंगे, ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ी देता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, और इस नए भारत को हम सब महसूस कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने समस्या दी, मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने समाधान दिया। आतंकवाद की समस्या कांग्रेस की देन, लेकिन धारा 370 समाप्त करके उसका समाधान मोदी जी के द्वारा दिया गया। भाइयों बहनों, देश के अंदर नक्सलवाद कांग्रेस की देन, लेकिन नक्सलवाद की समस्या का समाधान गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने अफगानवाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने देश के अंदर गरीबी दी, अव्यवस्था दी, अविश्वास दिया, मोदी जी ने देश के अंदर सभी लोगों को समान सुविधा का अधिकार देकर के हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा की। पुष्टिकरण के नाम पर कांग्रेस ने जिस प्रकार की व्यवस्था फैलाई थी, हमें आश्चर्य होता है, 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें एक ही बात तो करती थी, एक ही बात कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। भाइयों बहनों, देश का आदमी कहां जाएगा, एक गरीब कहां जाएगा, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति कहां जाएगा, हमारा वनवासी आदिवासी कहां जाएगा, पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा, अन्नदाता किसान कहां जाएगा, युवा कहां जाएंगे, महिलाएं कहां जाएंगी। और भाइयों बहनों, एक तरफ अभी आपने देखा होगा, मातृशक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से आदि आबादी को सम्मान देने का काम, दूसरी ओर 3 तलाक पर हमेशा के लिए ताला लगाने का काम भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। गरीबों के कल्याण के लिए चलने वाली योजनाएं किस रूप में प्रभावी ढंग से लागू हो रही है, कोई सोचता था
12 करोड़ गरीबों के शौचालय बनाए गए 9 वर्ष में। ये काम कांग्रेस भी 55 वर्ष के शासन काल में कर सकती थी। 4 करोड़ गरीबों के आवास बने, ये काम कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी। और इसी माटी के सपूत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 7 करोड़ परिवारों को हर घर नल के माध्यम